नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक चेन्नई सुपर किंग्स के अगले कप्तान रविंद्र जडेजा होंगे। चौंक गए होंगे आप ये सुनकर कि महेंद्र सिंह धोनी फिर टीम के साथ क्यों जुड़े। तो दरअसल बात यह है कि आईपीएल 2022 में तो धोनी ही कप्तानी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उसके बाद रविंद्र जडेजा टीम के कप्तान हो सकते हैं। इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें टीम की प्राथमिकता बताते हुए सबसे ज्यादा पैसे में टीम के साथ रिटेन किया है और अपनी सैलरी कम करके वो सैलरी रविंद्र जडेजा के खाते में जुड़वाई और उन्हें 16 करोड़ रुपए देकर टीम के साथ जोड़े रखा है। इसीलिए अब कयास लगाया जा रहा है कि जब धोनी से ज्यादा पैसा रविंद्र जडेजा पर खर्च किया गया है तो उन्हें केवल एक खिलाड़ी के तौर पर ही टीम में नहीं शामिल किया गया है, बल्कि उनमें भविष्य का कप्तान भी देखा जा रहा है। देखते हैं कि रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स कप्तानी संभालता है या नहीं, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी ने ये चाल चली है वो बेहद ही शानदार साबित हो सकती है। अब देखना होगा कि किस तरीके से जडेजा आगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं। आपको बता दें कि जब से जडेजा महेंद्र सिंह धोनी के अंडर में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने बेहद ही काबिले तारीफ प्रदर्शन किया है और वो उस टीम के सबसे बड़े मैच विनर प्लेयर भी बने हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। वैसे आप क्या लगता है कि धोनी के बाद चेन्नई सुपर किंग्स की कमान किसके हाथों में होनी चाहिए, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।